बहुत कम करती हैं, जबकि लड़के बहुत भावुक होते हैं और बात बात पर अपनी प्रेमिका से प्रेम का इजहार करते रहते हैं। साइकोलॉजी का मानना है कि असामान्य परिस्थितियों में होने वाला प्यार सामान्य परिस्थितियों में होने वाले प्यार से ज्यादा मजबूत होता है और यह प्यार जिंदगी भर चलता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे जितना अनदेखा करेंगे वह आपके प्रति इतना ही आकर्षित होगा। मनोविज्ञान मानता है कि कम उम्र में कभी आपको प्यार नहीं हो सकता, बल्कि यह एक आकर्षण होता है, जबकि जो वास्तविक प्रेम होता है वह परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी के बाद होता है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आकर्षण कामुकता को जन्म देती है, जबकि प्रेम इस कामुकता के भाव का दमन कर देती है। यही कारण है कि जो लोग अपने पार्टनर से अत्यधिक प्रेम करते हैं वह उनके बारे में ज्यादा कामुक नहीं होते, जबकि वे लोग जो किसी दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं वह उसके प्रति बहुत सारी कामुक भावना रखते हैं। लड़कों को अक्सर ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद आती हैं, जबकि लड़कियों को अक्सर कम बोलने वाले लड़के पसंद आते हैं। दोनों लोगों में जब जोड़ा बनता है तो यह रिश्ता काफी लंबा चलता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी सोच मिलती है तो उनके प्यार का रिश्ता ज्यादा चलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जिनकी सोच मिलती है उनकी जोड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चलती, बल्कि जो विपरीत सोच वाले होते हैं उनका रिश्ता काफी लंबा चलता है। मनोविज्ञान कहता है कि प्रेम में टूटे हुए लोग प्रेम के प्रति ज्यादा भावुक होते हैं। प्रेम में टूटे हुए लोग बात बात पर भावुक हो जाते हैं। जब आप किसी के साथ प्यार में पड़ते हैं तो धीरे धीरे सुंदर चीजों के प्रति आपका आकर्षण कम हो जाता है, तब उसी स्थिति में आप जैसे प्रेम करते हैं वह आपके लिए सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। आप सदैव हो उसके प्रति झुके होते हैं। कुछ रिसर्च के अनुसार जब लोग एक दूसरे के प्यार में होते हैं तो एक दूसरे की आंखों में देखने के महज 3 मिनट में उनका दिल एक साथ धड़कने लगता है। अनेक अध्ययनों में यह साबित हुआ है कि दुनिया भर में ज्यादातर समय पुरुष पार्टनर ही प्यार का इजहार पहले करते हैं। दुनिया के लगभग 90% लोग पहले आई लव यू बोलते हैं।